गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। बहुत बढ़िया नहीं है ना, कब खुलेगी? रात को तो इतनी बुरी हालत होती है, एक बार 2-2:30 बजे के आसपास जैसे मैंने सोने के लिए मोबाइल वगैरह छोड़ा, टीवी बंद किया, मतलब मुंह से सांस लेना भी भारी हो गया। फिर मैंने उसी वक्त स्टीम ली, गर्म पानी पिया, गर्म पानी में विक्स डाल के स्टीम ली, तब जाके कहीं मैं मतलब सो पाई। अब मैं सोच रही हूँ अभी ना समृत का भी जुकाम हो रखा है, तो समृत को भेज के ना ओट्रीबिन मंगवाती हूँ। ओट्रीबिन के स्प्रे से ना नाक एक बार को तो खुलेगी, उसके बाद देखेंगे। क्योंकि कोल्ड वैसा कोल्ड नहीं है कि जिसके लिए दवाई लेनी पड़े, बस तो सिर्फ नाक बंद है। और किसी किसी टाइम होता है पानी बह जाता है, तो उसके लिए तो सिट्रोजिन ही चलती है। तो वो तो मैं ले ली है, कल नहीं ली क्योंकि तो मेरी वो वाली जो एलर्जी वाली दवाई है ना, उसकी एंटीबायोटिक ख़त्म हो चुकी है। तो उसकी बाकी की दवाइयाँ मुझे ख़त्म करनी है, कंप्लीट करनी है। वैसे एलर्जी दब गई है बट अभी भी ना पैचेस दिख रहे हैं, पैचेस नहीं गए। तो आज बोल रहे थे बच्चे के आप चले जाओ डॉक्टर के पास, पर सुबह मुझसे बिल्कुल उठा नहीं गया। क्योंकि रात को अगर टाइम से नहीं सोओगे तो सुबह कहाँ से उठोगे? अभी 10:30 हो गए, मैं 9:30 बजे के आसपास उठी थी। इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी चाय बनानी, तो मैंने वहाँ बैठा था, समृद्ध पढ़ रहा था। मैंने उसको बोला, मैंने कहा सिम पे रख दे चाय और अपना दूध भी बना ले, दूध भी पी ले और मुझे चाय भी बना दो एक कप, और एक कप चाय देखो। अभी जस्ट देखे गया है और मैं चाय पी लेती हूँ, फिर उसको अभी तो खैर दूध पिएगा, फिर नाश्ता पूछती हूँ क्या खाएगा, मूली के पराठे या गोभी के पराठे। तो मैं मूली कतर लेती हूँ या गोभी कतर लेती हूँ, जो भी खाएगा वो बना देती हूँ, क्योंकि दिया भी वही खुश होकर खा लेगी। और आज मतलब उसकी तो छुट्टी थी ना रात को, यार ये पता नहीं कब ख़त्म होगा इनका ठाक ठाक। एक तो वैसे ही सिर में दर्द हो रहा है, ऊपर से ये सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं 7 बजे। आ रही आवाज़? ऐसा लग रहा है जैसे इसी दीवार को खोद के इधर आ जाएंगे। चलिए टीवी चलाती हूँ, थोड़ा ध्यान हटाती हूँ, बिल्कुल नहीं ली जाती सांस। हाँ जी, काम शुरू। विनीता आ गई है, झाड़ू लगा रही है और मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ। बोर हो गई, कई दिन हो गए, गंदी तो नहीं हुई थी बट बोर हो गई। अब फिर ये दूसरी नई वाली चादर जो मंगवाई थी इसी के साथ वो बिछा रही हूँ। और अभी अभी आया है पेटीकोट, आया है वो जो स्ट्रेचेबल वाला, आज फिर क्या सब कुछ स्ट्रेचेबल वाला मंगवाया है इस साड़ी के साथ, मीशो वाली साड़ी के साथ। हे भगवान, चलिए मैं बेडशीट बिछा लेती हूँ, ये पोछा लेके आ जाएगी नहीं तो फिर फटाफट से। यह सारा काम, कपड़े मैंने निकाल लिए, बस अब नहाने जाऊँगी, थोड़ा सा बस ये काम रह गया। और ये रात को देखो ये हरकतें, देखो इन बच्चों की, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, है 23 साल की लड़की हो रही है और 18 साल का लड़का हो रहा है मेरा। और ये देखो, ये रात को इनके सैटरडे संडे को ये काम होते हैं कि भैया इन्जॉय कर रहे हैं हम, ये कैसा इन्जॉयमेंट है बताओ मुझे कोई। कपड़े मैले, कपड़े मशीन लगानी है, कंबल बिछाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नई चद्दर का बेड़ा गर्क कर देंगे दोनों मिलके। अभी तो वैसे लूना वहाँ पर है दिया के साथ। अरे बाप रे, ये कबड कब बंद होगी भैया? एक तो मेरा ये देखो, मेरा हाथ भी नहीं जाता। अरे अब बताओ, कमर नहीं टूटेगी तो क्या होगा? कोई दरवाज़ा लगवा दो कोई, मेरा दरवाज़ा टूट गया है, क्या करूँ इसका मैं? कोई कारपेंटर नहीं मिल रहा है, इस टाइप के ये लॉक वॉक होते हैं ना, ये नॉर्मल कारपेंटर नहीं लगाता। चलो भाई नहा धो के फिर मिलती हूँ। अब सब हो चुका है, मैं नहा आई हूँ। अरे भाई कहाँ फंस गया, हाइट नहीं है तो भी नुकसान। मशीन भी मेरी हो चुकी है, अभी ये पानी निकालती हूँ और फिर कपड़े सुखाती हूँ, धूप अच्छी निकली हुई है। और अभी अभी मैंने मंगवाया है ब्लिंकिट से सामान, ये तो है भेलपूड़ी, कौन सी कंपनी की है ये, बीकाजी की है, बीकाजी की भेलपूड़ी 30-30 रुपए के 2 पैकेट आए हैं। और मंगवाए हैं आलू 2 किलो, अदरक 2 किलो, अदरक नहीं 2 किलो आलू और अदरक, बस यही था शायद, हाँ, और साथ में धनिया। मैं काफ़ी देर से ना गोभी कतर के बैठी थी और थोड़ी सी गोभी रख ली है मैंने, ये इसकी सब्ज़ी बना दूँगी, इसके अभी पराठे बनेंगे, उसकी कल या परसों सब्ज़ी बना दूँगी, तो अभी सबका काम हो जाएगा पराठों से। तो धनिया जो मेरा पहले का पड़ा हुआ था ना, वो थोड़ा सा ना मुसा सा हो गया है, तो मैंने कहा फ्रेश मंगा लेती हूँ, ख़त्म भी हो रहा है तो मंगाना तो है ही। कल साहब गए नहीं सब्ज़ी लेने, थके हुए थे तो वो सब्ज़ियाँ आई नहीं थी, इसलिए फिर धनिया मंगवाया। अब धनिया काटती हूँ, इसमें डालती हूँ हरी मिर्च, धनिया, नमक मिर्च, सूखा धनिया और उसके बाद फिर पराठे बनाती हूँ। तब तक दिया भी उठ जाएगी, सैमी नहा चुका है तो उसको लगी होगी भूख। चलिए फटाफट काम करते हैं और फटाफट गोभी के पराठे बनाते हैं। बन गया था मसाला और मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो पहली जो रोटी होती है या पहला जो भी
वो निकलता है चावल दाल जो भी होता है, जो भी बनता है प्रॉपर, मैं कभी दिखाती नहीं हूँ, बट जो भी पहली तवे की चीज़ होती है या पहला कौर होता है दाल सब्जी रोटी का, तो वो मैं निकाल के बड़ों के नाम से अलग कर देती हूँ। ये तो रात की बची हुई रोटियाँ थी, ये मैंने अलग कर दी। अब ये पराठी जो है ये बड़ों के नाम की अलग कर दूँगी, इसको गाय को डलवा देंगे या किसी कुत्ते वगैरह को खिला देंगे या कौवों को डाल देंगे, मतलब ये डलवा दूँगी बाहर गाय वगैरह को, पशु पक्षी को, तो ये अलग कर दी। अब ये पहली समृद्ध के लिए दही मक्खन सब रेडी करके बैठी हूँ। चलिए फटाफट से प्लेट लगाते हैं और उसको देते हैं, भूख लगी है। हो गया बेटा, ठीक है, पेट भर गया, कैसे लगे? और ये आ गया मेरा मेरे पराठी। मुझे पुणे में ऐसे मुचोड़ के खाते हैं ना, वैसे पसंद है। और ये लोग खाते प्लेन, इनको होता है कि बस प्लेन तवे से उतरे और दे दो तीनों, मुझे ऐसे पसंद है, मेरी मम्मी ही ऐसे बना के देती थी। चलिए जी फटाफट से खाएं, मैं मक्खन नहीं लेती सिर्फ दही। आपको कुछ दिखाने आई हूँ, ये देखो ये अलूइयाँ आई हैं, अलूइयाँ छोटी छोटी अलूइयाँ, प्लिंकेट से जो ऑर्डर किया था उसमें मैं खाना खिला के दिया का टिफ़िन पैक करके लेट गई थी, और ये मंगाए थे मैंने अरबी के पत्ते। देखो क्या पत्ते आए हैं, पत्ते छोड़ो, पत्तों के बच्चे भी नहीं हैं ये, मतलब एक तो 80 रुपए के 10 पत्ते सिर्फ, 40 रुपए के 5 आ रहे थे, और इतने छोटे छोटे पत्ते, इसमें मैं क्या बनाऊँगी? ऐसे तो मेरे को कम से कम 5-6 मंगाने पड़ेंगे तब जाके तो एक रोल बनेगा, इसका तो एक रोल भी नहीं बनने वाला। सारा मूड खराब कर दिया मेरा। अदरक आई है, अब मौसम बदल गया ना, चाय अदरक वाली अच्छी लगती है। और ये कल दिया अपनी फ्रेंड के घर गई थी तो वहाँ पे श्राद्ध था, तो ये खीर आई है वहाँ से, तो ये 10 मिनट बाहर रखते हैं फिर खाते हैं। और अब इन पत्तों का क्या करूँ यार मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मुझे लग रहा है कि इसके पकौड़े तो बनेंगे नहीं क्योंकि ये फोल्ड ही नहीं होगा ना किसी भी तरह से, अगर मैं बेसन लगा के इसको फोल्ड करना भी, फट ही रहे हैं देखो, हाथ लगाते ही तो फट रहे हैं। धो के रखती हूँ फिर देखती हूँ, इसलिए वो काट के एक सब्ज़ी बनती है गूगल पे देखती हूँ, यूट्यूब पे वो बनाती हूँ, फिर और क्या करूँ। इतने शौक से मंगाए थे उस दिन, जेप्टो से मंगवाए थे तो फ्रिज ख़राब हो गया था, तो वो फ्रिज में पड़े पड़े सारे गल गए सारे वो, फिर वनीता ने उस दिन जब फ्रिज साफ किया तो सब फेंक दिए। अब ये देखो ये पीला पत्ता, पीले पत्ते को थोड़ी मैं बना सकती हूँ, या तो फिर मैं सोचूँ जेप्टो से एक बार और मंगा लूँ, रेट तो ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों जगह, तभी कुछ बन पाएगा इसका, वरना तो नहीं बन पाएगा कुछ भी। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये, बहुत ही अच्छे, मैंने बताया था ना मेरी फ्रेंड की मम्मी सब्जी बनाती थी और वो स्पेशली मेरे लिए लेके आती थी, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम खाई मुझे इतनी पसंद आई थी, मुझे ना टेस्ट आ जाता जब भी मैं बात करती हूँ। मेरी पसंद की ना कोई भी सब्ज़ी मैं घर में बना ही नहीं सकती, क्योंकि कभी पापा तो बहुत कम ही रेयर चीज़ें खाते हैं वो, तो मतलब उनको तो राजमा छोले भी नहीं खाते वो, छोले भी बनाती हूँ ना तो छोले छोले अलग करके तरी तरी निकाल के खा जाते हैं। अब बच्चों में ये तो है कम से कम वो छोले चावल ये सब चीज़ें खा लेते हैं, छोले हो गए राजमा हो गए लोबिया हो गया, क्योंकि शुरू से मैंने खिलाया उनको, बट ये इतने नखरे वाले हैं ना, इतने तो मेरे बच्चे भी नखरे वाले नहीं हैं, बट अब ना धीरे धीरे जैसे जैसे दिया बड़ी हो रही है तो दिया भी ना कई चीज़ों में नखरे मारने लग गया। मैंने बताया था ना मैंने स्पंज वाले रसगुल्ले मंगवाए हैं, दिया और मैं दोनों खुश होकर खाते हैं, ये भी खाते हैं, तो वो बीकानेर वाले हैं बॉक्स वाले, मैं कब खाती हूँ वो कह रही है। मैंने कह दिया ये कब से हुआ, अब हर नई चीज़ हो रही है भाई, दिया ये भी नहीं खाती, दिया को ये भी चेंज हो गया, दिया का ये भी चेंज हो गया। अभी थोड़े दिन पहले मैं उसको कह रही थी कि दिया कान छिदवा रही है ना, नाक भी छिदवाइयो, अच्छा लगता है लड़कियों पे ना नाक छिदवा, तो मैं नहीं पहन रही, अरे बार बार अटकेगा, मैं नहीं पहन रही, मेरे को नहीं अच्छा लगता। अब कल उसने किसी फ्रेंड का देख लिया है कि फ्रेंड ने करवाया, तो आज मुझे कह रही है कि मम्मी मैं नाक भी छिदवाऊँ, इस सैटरडे संडे को जाके मैं नाक भी छिदवा के आऊँ। भाई साहब आजकल के बच्चे माँ बाप की सुने ना सुने, सॉरी मैं फिर पसर रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, मैं आलू चढ़ा के आई हूँ क्योंकि ये दोनों बच्चे दूध नहीं पी रहे और ना कुछ खा रहे हैं, और रोटी इनको बिल्कुल मना कर दिया है क्योंकि जैसे कोको की एलर्जी हो गई थी बॉडी पे, वैसे ही आटे से लूना के भी हो गई है बहुत ज़्यादा एलर्जी, वो पूरा छिल छिल के उसने खारिश कर करके ना सारे पैर छिल दिए, दिखाऊंगी आएगी मेरे पास। तो अब आलू उबल रहे हैं तो दोनों को तसल्ली हो जाएगी, सोचा था अंडे उबाल देती हूँ, बट अंडे ना मॉर्निंग में इनको दो ना तो ठीक रहता है, तो अब कल छोड़ के परसों फिर इनको अंडे उबाल दूँगी, आलू उबल जाएंगे फिर उसको मैं भी चाय बनाऊँगी। मेरा ना दिमाग ख़राब हो गया। हाँ मैं बता रही थी बच्चे
भैया दोस्त यार कुछ बता दें तो वो काम कर लेंगे, पर अगर वही काम माँ बाप बोले ना कत्ता ही नहीं करेंगे, कत्ता ही नहीं। फिर तो वर्का ही फाड़ दो कि बच्चे मान जाए। मैंने कहा मैंने तो तुमको पहले ही बोला था करवा ले, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, छोटा सा नग पहन लियो अंदर, बट ऐसी बाली मत पहनी हो, वो बाद में देखियो जब तेको पहननी हो शादी शुदी के बाद। शुरुआत में तो मैंने भी छोटा ही नग पहना हुआ था, तो हाँ मैं करवा के आऊँगी, अच्छा लगेगा। करवाओ जी जो करवाना है करवाओ। कपड़े प्रेस किए हुए कपड़े पड़े हैं, और मैंने जो रोज के धोती हूँ और तय लगाती हूँ तो वो कपड़े पड़े हुए हैं, मैं कहाँ रखूँ, मेरी अलमारी में जगह नहीं है, अलमारी में जगह नहीं है तो क्या करूँ, सड़क पे फेंक दूँ क्या कपड़े? फिर लड़ाई हो गई, बहस, हर चीज़ पे बहस करते हैं आजकल के बच्चे, हर चीज़ पे। अरे तुम्हारे ही कपड़े हैं भाई, तुम्हारे कपड़े मैं अपनी अलमारी में रखूँगी, फिर तुम्हें तकलीफ होगी कि जी मैं हमारे कपड़े यहाँ क्यों रख दिए। अब मैंने क्या किया है कि ये जो ये जगह खाली है ना, इसमें मैं ऐसे ओपन कपड़े रख रही हूँ ना, तो मैंने दो, वो आएंगे तो बताऊँगी, ऑर्गेनाइज़र हैं, क्लोथ ऑर्गेनाइज़र, जिसमें आगे से चेन खुल जाएगी, उसके अंदर ना वहाँ रैक से जो जितनी चादरें और जितने पिल्लो कवर्स वो सब है ना, वो लाके इसमें डाल दूंगी, तो दो लेयर में ना चादरें वादरें और पिल्लो कवर्स और टॉवल्स वगैरह हैं, तो वो सब खाली कर दूंगी, तो इनके कुछ कपड़े ना उसमें आ जाएंगे, दो शेल्फ खाली हो जाएंगी, तो उसमें कुछ कपड़े रख लेंगे। भैया इनको दो, एक अलमारी पूरी नहीं पड़ रही, जबकि समृद्ध के तो कुछ कपड़े ही नहीं हैं, समृद्ध के तो टोटल में 10-15-20 कपड़े होंगे बस, पूरी अलमारी दिया की है। जैसे ये पूरी अलमारी सिर्फ मेरी है, जिसमें से अभी अभी मेरी साड़ियाँ सब ऊपर पड़ी हैं, और इनका तो बस इसमें दो बॉक्स पड़े हुए हैं, इस वाले कबड़े में सिर्फ दो बॉक्स हैं, इनके तो कपड़े ही नहीं हैं, विंटर्स के निकलेंगे, मैं विंटर्स के कहाँ लेके जाऊँगी, मैं विंटर्स के भी पागल हो जाऊँगी, मैं संभालते संभालते इतना कपड़ा निकलता है विंटर्स का, तो ये तो बेड में आ जाता है, एक ही बेड में, क्योंकि हमने वो ले रखे ना वैक्यूम बैग, दिखाए हुए मैंने पहले, वैक्यूम बैग से इतना सुख हो गया, नहीं तो इतनी बुरी हालत हो गई थी। मैं वो ऑर्गेनाइज़र भी मंगवाए थे मैंने, उसके अंदर भरती थी, रेड ब्लैक कलर के ऑर्गेनाइज़र पहले दिखाए हुए मैंने, वो मंगवाए थे मैंने, उसके अंदर भर रखे थे, तो उसके अंदर क्या होता था कि बेड के अंदर पूरा फुल हो जाता था, रजाइयाँ कंबल सब इसके अंदर होता था, तो बाहर मुझे वो बैग जो है ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक 8-10 बैग ऐसे खड़े करके रखने पड़ते थे। पहले तो ये व्लॉगिंग जब मैंने शुरू किया उसके बाद तो मेरा रेनोवेशन का काम शुरू हो गया, मेरा घर सही से सेट हो गया, बट उससे पहले अगर मैं व्लॉगिंग करती ना, आप कहते कि क्या घर का हाल कर रखा है इसमें, कैसे रहती है ये पोटलियाँ लगा लगा के। बहुत मैंने बड़ी अलग अलग तरह से घर को संभाला हुआ था, सोच भी नहीं सकता कोई के रहते तो हम 2 BHK में, पर हमारे पास सामान कोई ढंग का है ही नहीं, ना अलमारी ना बॉक्स ना कुछ, बस ये ऑर्गेनाइज़र मंगाए थे उसके अंदर भर भर के, और फिर उसको क्या करती थी, सोफ़ा वगैरह था नहीं तो उसके ऊपर कपड़ा या चद्दर लगा के और उसका ना सोफ़ा टाइप बना देती थी, कुशन पीछे रख के, तो कोई आता जाता था तो वहाँ पे उसको बिठाती थी बाहर। अब किसी को ये थोड़ी पता कि नीचे ब्रीफ केस रखे हुए हैं ये कपड़े वाले। बड़ा गुजारा किया मैंने बहुत हिसाब से, चिमटियाँ लगा लगा के मैं खिड़कियाँ कवर करती थी, खिड़कियों पे ना पर्दे की जगह चद्दर टांगती थी, चद्दर जो पुरानी चद्दर फेडेड हो जाती थी वो चद्दरें लगाती थी चिमटियों से। मैंने बहुत बहुत टफ टाइम निकाले हैं, बहुत टफ टाइम, और अब जब बच्चों का साथ मिल रहा है और आगे बढ़ने के लिए रास्ते दिख रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और इस पर भी अभी अभी रिसेंटली कुछ हुआ ऐसा, जब मैंने बताया भी था कि शादी में जाना था और प्रोग्राम कैंसिल हो गया था जयपुर, स्टैंडर्ड के हिसाब से रिश्तेदारों को बुलाया जाता है आज की डेट में। भाई अगर आपका स्टैंडर्ड नहीं है तो आपको रिश्तेदारी में बुलाया नहीं जाता। हमारे में तो भाई सिंपल चीज़ है, अगर आप डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, अब नॉर्मली तो यही होता है ना, हमने तो सबका यही देखा था, डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, अपने सिर्फ क्लोज जो आपको 50-60-100 लोग लेके जाने हैं आप उनको वहाँ लेके जाते हो, बाकियों को घर में एक जागरण या कोई एक छोटा सा फंक्शन, संगीत, कुछ भी आप घर में करके फॉर्मेलिटी कर देते हो कि बाकी सब रिश्तेदारों को आपने वहाँ पर बुला लिया और वहीं पर अपना उनका डिनर विनर जो करना है वो कर दिया, ना किसी को बुरा लगेगा ना किसी को भला लगेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को थोड़ा बुरा लग सकता है कि भाई हमें नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया, ये सोच होती थी हमारे बड़ों की, और आजकल सीधा वर्का ही फाड़ देते हैं कि भैया ये हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है, इसको नहीं बुलाना। क्या हाल हो गया है ना लोगों का, हद हो गई यार। तुम स्टैंडर्ड आज बात कर रहे हो, अरे स्टैंडर्ड लद गए, ऐसा ऐसा पैसा मैल की तरह हाथ से निकल जाता है, ये सिर्फ पैसे की चमक है 4 दिन की, और जिस दिन पैसा नहीं होगा उसके बाद क्या, जब तुम्हें ज़रूरत हो तो इन्हीं स्टैंडर्ड, जिनका लो स्टैंडर्ड है उन्हीं लोगों से तुम अपने काम भी निकलवाते हो। हद ही है, मतलब लोगों का खुद का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, दोगले लोग, मतलब के लिए गधे को बाप बनाने वाले लोग हैं। बट यही लोग ना सीख भी देते हैं, मैं सच बताऊँ, हमें ना सॉरी हमें ना दुनियादारी की समझ नहीं है, हम लोग फिर वही हो जाते हैं कि ठीक है यार कोई बात नहीं, यार नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, हमें फिर कहीं मिल जाएंगे ना किसी और के फंक्शन में या कहीं पर, हम फिर नॉर्मली बात करेंगे, और जी कैसे हो, बड़े अच्छे ये वो करके, हम लोग फिर भी कोई शिकायत, कोई गिला, कोई शिकवा कुछ नहीं करते,
एक ठीक है यार, नहीं बुलाया नहीं बुलाया, हमारा कौन सा, हम फ्री में जा रहे थे या उनके खर्चे पे जा रहे थे? जाना तो हमें अपने ही खर्चे पे होता, खर्चे तो हमारे भी होते हैं ना, किसी के घर में शादी होती है उसके अलग खर्चे होते हैं, पर जो आ रहे होते हैं ना उनके भी खर्चे होते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि उनका कोई खर्चा नहीं हो रहा, हर कोई अपने हिसाब से खर्चता है, घर घर का फंक्शन हो या किसी के घर में फंक्शन जाना हो, और फिर जैसा मत्था होता है वैसा टिक्का होता है, ये तो भाई लॉजिकली सबको पता है कि आप जिस तरह के घर में जा रहे होते हो उसी तरह का आपको माहौल के हिसाब से कपड़े लत्ते भी पहनने होते हैं, उस हिसाब से आपको बरतना बरताना भी होता है, तो इतनी अक्ल तो हर किसी को भगवान ने दिया। बट मैं सच बता रही हूँ, मतलब इतना गंदा व्यवहार किसी का नहीं देखा मैंने, मेरे इन-लॉज में भी ऐसा है, शायद कुछ लोग देखेंगे ब्लॉग तो उनको बुरा भी लगेगा, कि हमारे बड़े वालों को बुलाया जाता है, हमारे छोटे वालों को बुलाया जाता है, बट हमें नहीं बुलाया जाता, मुझे मेरे हस्बैंड को नहीं बुलाया जाता, मेरे बच्चों को नहीं बुलाया जाता, क्लियरली हमें नहीं बुलाया जाता किसी भी रिश्तेदारी में, ठीक है, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा उस चीज़ का, क्योंकि वहाँ से मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया कि वो बुलाएं, या भाई हाँ जिससे बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो और अगर वो ना बुलाए तो एक बार को लगता है कि यार इसने क्यों नहीं बुलाया, ये भी औरों जैसा हो गया, बट जो लोग नहीं बुलाते मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, एक बार को लगता है कि यार इनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट जब अपने मायके की तरफ ऐसा देखा मैंने कि भैया आपका स्टैंडर्ड नहीं है इसलिए आपको नहीं बुलाया जा रहा, कमाल है, आप डिसाइड करोगे हमारा स्टैंडर्ड, मतलब मेरा स्टैंडर्ड आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, मेरे पास पड़ा है पैसा ठीक है, अलमारी में रखा है मैंने, पर मेरे को शौक है कि मैं महंगा कपड़ा नहीं पहनना चाहती, मैं वैरायटी बदल बदल के पहनती हूँ, मुझे नहीं शो ऑफ करना लोगों को कि भैया मैंने 5,000 का सूट पहना है या 50,000 का सूट पहना है, आप कौन होते हो किसी का स्टैंडर्ड डिसाइड करने वाले, ठीक है भैया, पर मैंने ऐसे ऐसे स्टैंडर्ड वालों को उस अर्श से फर्श पर आते देखा है ना, अपने आप को भी देखा है, मेरा वो टाइम भी था जब मेरे हस्बैंड का बिजनेस था ना, तो मेरे घर में दो दो मेड होती थी और मतलब चीज़ आके रुल जाती थी, मुझे पता भी नहीं चलता था कि अरे ये चीज़ भी थी मेरे पास, वो टाइम भी देखा है, इसलिए मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता कि पैसा है या नहीं है, खुशी होनी चाहिए, तसल्ली होनी चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए, वो बड़ी बात है, और जो लोग ऐसा करते हैं ना, अगर 1% को भी किसी के दिल में उनकी थोड़ी बहुत इज्जत होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है। चलिए जी, आलू उबल गया आपसे बात करते करते, मैं आलू बंद कर देती हूँ, चाय बनाती हूँ, 6 बजने वाले हैं, चाय बनाती हूँ, समृद्ध भी उठ गया है, देखती हूँ कुछ खाने को, अगर उसको चाहिए तो वो बना देती हूँ उसको, वैसे तो उसने गोभी के पराठे खाए हुए हैं बट खुदे के खाए हुए हैं तो अब उसको भूख लगी होगी, चलिए काम पे लगते हैं।